नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस न्यूज और मैं आपके साथ उषा कश्यप। वक्त हो चला है लंच टाइम बुलेटिन का। एनआरसी बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, जल्द संसद में पेश होगा बिल। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां बिल का कर रही है विरोध। हैदराबाद रेप और हत्या मामले से पूरा भारत सहम उठा है। इस मामले में पुलिस का शर्मसार कर देने वाला रवैया सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन उनके चक्कर लगवाए। रेप के इस मामले पर आंध्र प्रदेश पुलिस के डीजीपी गौतम सवांग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा, अगर सीमा विवाद में उलझी पुलिस तो उन पर दर्ज होगी FIR। हैदराबाद रेप केस ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस केस में चारों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस को मिल सकती है रिमांड की अनुमति। इस केस में चार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पी चिदंबरम को कोर्ट से जमानत मिल गई है। INX मीडिया केस में जेल में बंद थे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम। 28 नवंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी। 21 अगस्त को INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में CBI ने पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की परीक्षाएं शुरू हो गई है। इसी के बीच टीचर्स ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स आज से हड़ताल करेंगे। ये हड़ताल विश्वविद्यालय प्रशासन के उस निर्देश के बाद बुलाई गई है जिसमें सभी कॉलेजों को एडहॉक टीचर्स की नियुक्ति करने से रोक दिया गया है। कॉलेज को एडहॉक प्रोफेसर्स की जगह गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है। कमलेश तिवारी हत्याकांड में आरोपियों की मदद करने वाले मौलाना रिजवी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी मौलाना कैफी अली रिजवी पर आरोप है कि उसने 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी की हत्या किए जाने के बाद हत्यारोपी अशफाक और मोइनुद्दीन को घर में शरण दी थी। साथ ही दोनों को आर्थिक मदद देने के साथ उनका इलाज भी करवाया था। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का मलबा बरामद होने पर नासा ने जो दावा किया, इस पर इसरो चीफ सिवन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऑर्बिटर ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी थी। इसरो चीफ सिवन ने कहा कि हमने पहले ही इसकी घोषणा इसरो की वेबसाइट पर कर दी थी। आप वेबसाइट पर जाकर इसे देख भी सकते हैं। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर भारत के चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के मलबा मिलने का दावा करते हुए उसकी एक तस्वीर साझा की थी। टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा करने जा रही हैं बॉलीवुड में डेब्यू। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की स्टारर फिल्म चेहरे में नजर आएंगी क्रिस्टल। 24 अप्रैल 2020 को फिल्म होगी रिलीज। T20 मैच के लिए हैदराबाद पहुंची टीम इंडिया। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। इस फ्लाइट वाली सेल्फी में उनके साथ बल्लेबाज KL राहुल और हरफन मोला शिवम दुबे भी दिख रहे हैं। सीरीज का पहला T20 मुकाबला 6 दिसंबर को खेला जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग की रिपोर्ट में दोषी करार, राष्ट्रहित से किया समझौता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग जांच की रिपोर्ट को डेमोक्रेट सांसदों ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है, जिससे अमेरिकी नेता के खिलाफ औपचारिक आरोपों का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसमें सत्ता का दुरुपयोग, रिश्वत और बाधा जैसे आरोप शामिल हैं। सदन की खुफिया समिति के अध्यक्ष एडम शिफ ने कहा कि तेजी से इस पर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप के गलत कार्यों के साक्ष्य जबरदस्त हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद कमला हैरिस नहीं लड़ेंगी राष्ट्रपति चुनाव, बंद किया चुनाव प्रचार। अमेरिका में अगले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद कमला हैरिस ने बुधवार को अपना चुनाव प्रचार अभियान बंद कर दिया। कमला हैरिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा, मैं अपने समर्थकों को गहरे अफसोस और पूरी कृतज्ञता के साथ माफी मांगते हुए बताना चाहती हूं कि मैं आज अपना चुनावी अभियान खत्म कर रही हूं। लेकिन मैं आपसे साफ कर देना चाहती हूं कि लोगों को न्याय और सभी को न्याय जिसके लिए यह अभियान है, मैं उसके लिए प्रतिदिन लड़ूंगी। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।